सोनम कपूर बहुत जल्द शादी के बंधन में बंधने वाली हैं। कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को इनविटेशन भी पहुंचने लगे हैं इनकी शादी के। इसी कड़ी में खबर आई थी कि दीपिका को भी इनविटेशन पहुंचा है, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि दीपिका पादुकोण सोनम की शादी में नहीं जाएंगी। जी हाँ, क्या कारण है दीपिका का सोनम की शादी को अटेंड न करने का, ये जानिए इस वीडियो रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूँ अभिषेक, आपने लॉग इन किया है फिल्मी बीट। दीपिका पादुकोण और सोनम कपूर कॉफी विद करण सीजन 3 में शरीक हुए थे। इस दौरान दीपिका ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड और सोनम ने अपने पहले को स्टार रणबीर का खूब मजाक उड़ाया था। दोनों ने पर्सनल लाइफ से जुड़ी काफी बातें शेयर की थी। हालांकि ये भी माना जाता है कि दोनों के बीच रिश्ते बुरे तो नहीं हैं, लेकिन कुछ ठीक भी नहीं है, कभी कभी इनकी तकरार देखी गई है। पर फिलहाल तो ये दोनों अदाकाराएं इसी साल शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं, जिनमें सबसे पहले होने वाली है सोनम की अगले ही महीने शादी। पर अब खबर है कि दीपिका पादुकोण सोनम की शादी का हिस्सा नहीं बन पाएगी। दरअसल दीपिका पादुकोण के लिए आने वाला कुछ टाइम काफी बिजी है। वो कुछ फंक्शंस में हिस्सा लेने के लिए इंडिया से बाहर जा रही हैं। जी हाँ, विदेश जा रही हैं, जिस वजह से वो सोनम की शादी का हिस्सा नहीं होंगी। फिलहाल तक की रिपोर्ट्स और शेड्यूल यही कहता है। बता दें कि दीपिका को यूएस और फ्रांस के दौरे पर जाना है, जिस वजह से वो शादी में भाग नहीं ले सकती। दीपिका के शेड्यूलिंग की बात करें तो 24 तारीख को न्यूयॉर्क में टाइम 100 गाला का हिस्सा होंगी। ये एक बड़ा इवेंट होगा। इसके बाद वो 7 मई को गाला 2018 का हिस्सा होंगी। इसके बाद दीपिका न्यूयॉर्क से कांस फिल्म फेस्टिवल में शरीक होने फ्रांस पहुंचेंगी। 8 मई से 19 मई तक ये इवेंट चलने वाला है। इन सब इवेंट्स को निपटाने के बाद वो मुंबई आएंगी। वहीं सोनम की शादी की बात करें तो उसकी डेट 7 मई रखी गई है। वैसे में नामुमकिन सा लगता है कि दीपिका पहुंच पाएंगी सोनम की शादी में। वैसे देखा जाए तो खबरें हैं कि दीपिका को इनविटेशन कार्ड पहुंच चुका है सोनम की शादी का। अब अगर ऐसे में वो अटेंड नहीं कर पाती हैं तो हो सकता है आने वाले टाइम में दोनों की कोल्ड वॉर के बारे में और भी ज्यादा बातें होने लगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।